गुड मॉर्निंग स्टूडेंट माई इज शीतल मैम फ्रॉम मदर इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर एसपुरा नाव टूडे इज़ द टेंथ ऑफ अगस्त नाउ क्लास ट्वेल्थ दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर ये आपका फर्स्ट लेक्चर ही है मैंने फर्स्ट लेक्चर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है फर्स्ट पार्ट जिसमें मैं फिफ्टीन मिनट्स का या सेवेंटीन मिनट्स का लेक्चर दे रही हूँ देन सेकेंड पार्ट में मैं फिर से फिफ्टी एंड सेवेंटी मिनट्स का लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ना बच्चा हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से जो एक लेक्चर करवाया है यही फर्स्ट लेक्चर भी यही है आ, इसके अंदर हमने क्या किया कि हमने आ, उसमें हमने बिजनेस प्लानिंग के टॉपिक को लिया उसके मीनिंग किया उसके फीचर्स किए देन उसकी डिफाइंस को करने की थोड़ी कोशिश की बच्चा अब हम आगे कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग का दैट इज़ दिस वन ये देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स प्रिंसिपल में क्या प्लानिंग सॉरी प्लानिंग में क्या होता है कि प्लानिंग के अंदर हम लोग सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमारी एंटरप्राइज के उसको हम प्रॉपरली तरीके से देखने की कोशिश करते हैं और उसमें से हम अपने जो ऑन्टर ऑब्जेक्टिव होते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है द सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ द ऑन्टरप्रन्यर ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द इफिशेंट प्लानिंग तो दैट मीन्स जब तक आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी जब तक आप प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं करेंगे तब तक ऑन्टरप्रन्यर ऑब्जेक्टिवस को आप अचीव नहीं कर सकते प्रिंसिपल्स क्या होते हैं दैट मीन्स सिद्धांत कि हमने प्लानिंग ऑफ बिजनेस प्लानिंग में ये सिद्धांत को ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग है ना द फर्स्ट पॉइंट है अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इनको बोलूँ दैट इज द प्रिंसिपल्स टू कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स कि प्लानिंग जो है उसमें हम अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं अपने एंटरप्राइज के ना जब हमें अगर अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो हमें अपने ऑन्टरप्रनोर ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना है और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं हमारी प्लानिंग कैसी है उस पर डिपेंड करेंगे ना द सेकंड वन इज़ दिस वन प्रिंसिपल्स ऑफ मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव हमारे जो ऑन्टरप्रेन्यूर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए और अटेनेबल होने चाहिए दैट मीन्स जिनका जो जरूरी हो अटेनेबल हो मीनिंगफुल होने चाहिए और अटेनेबल होने चाहिए क्यों ताकि हम ईज़ली अपनी बिजनेस प्लानिंग को अप्लाई कर कर इजली ऑनटरपन ऑब्जेक्टिव्स को गेन कर सकें ले सकें और सक्सेसफुली हम इसे अंडरस्टैंड कर सकें नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ की फैक्टर्स नेक्स्ट वन कह जाए कि बहुत सारे की फैक्टर्स होते हैं जैसे मनी मनी मैन मनी मटीरियल दीज आर दी फैक्टर्स तो ये सब चीज़ें हमारी बिजनेस प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं बच्चा ये आपका प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग हो गया इसके अब मैंने थ्री पॉइंट्स यहाँ से बता रही हूँ नेक्स्ट uh, मैं इसके बाद में आपको बताती हूँ दिस वन इसके आगे आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखिए अगर आपको यहाँ पे नोट्स नहीं क्लियर होते हैं मैं आपको साथ में ऑडियो uh, में कोशिश करूँगी नोट्स क्लियर uh, करवाने की अगर वहाँ पर भी नहीं होंगे अगर मैं नहीं कर सकी सेंड उसे तो बच्चा आपने क्या करना है आपने अपनी बुक का सेवन पेज नंबर खोलना है Uh, अपनी बुक का सेवन चैप्टर खोलिए कल्याणी की बुक आपने लेनी है और सेवन चैप्टर खोलिए उसके अंदर आपको ये क्लियर हो जाएगा ठीक है नौ बच्चा नेक्स्ट वन हम बात करते हैं दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी सेम वैसे ही है जैसे प्रिंस जैसे हमने कहा कि जो प्लानिंग है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है तो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए डायनमिक होनी चाहिए डायनेमिक का मतलब होता है जैसा जिस हिसाब से हो सके वैसे हम उसे चेंज कर लें डायनेमिक मतलब आप अपने हिसाब से आपसे चेंज कर लो कैसे होनी चाहिए दैट मीन्स डायनेमिक होनी चाहिए क्यों डायनमिक होनी चाहिए ताकि हम जैसे भी हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है जैसे हमारे लीगल लॉज बढ़ते हैं जिस हिसाब से हमारे चेंजेस होती है हम उस हिसाब से उसको चेंज कर सकें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आप क्या कीजिए फ़ोर पॉइंट ये वाले कीजिए यहाँ तक फोर पॉइंट किया आपने ठीक है उसके बाद हम आ जाते हैं सिक्स पॉइंट पे ये सिक्स वन कहता प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन जो सेलेक्टेड प्लान होता है वो मस्ट भी प्रॉपरली होना चाहिए और हमें कम्युनिकेट करना चाहिए टाइम टू टाइम वर्कर्स के साथ तो हमारा जो ये हैं प्रिंसिपल्स हैं इसके आपने कितने पॉइंट करने हैं टोटली फाइव पॉइंट ठीक है ये मैं आपको मेंशन कर देती हूँ आपने कितने पॉइंट्स करने हैं टोटली फाइव पॉइंट करने हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन वाला फर्स्ट थ्री पॉइंट्स आ गए प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आ गया और देन प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गया तो यहाँ तक तो आपका हो गया प्रिंसिपल्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट ठीक है अब हम नेक्स्ट बात कर देते हैं नेक्स्ट आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग ठीक है uh, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना आए और मैंने ये चीज़ आपको बता दी है कि आपने इसके अंदर टोटल फाइव पॉइंट्स करने हैं क्लियर साथ साथ में मैं आपको ये चीज़ बताती भी जा रही हूँ कि मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी इस चीज़ में ना नेक्स्ट वन हम बात करते हैं नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग नेक्स्ट टॉपिक ए दिस वन नो इम्पोर्टेंस नीड्स सेम है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग नीड्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग आ जाए तो आप लिख सकते हैं ये पॉइंट्स अगर नेचर आ जाता है तब भी आप इसे थोड़ा सा इसके अंदर से पॉइंट्स बना सकते हैं बट अगर परफेक्ट आंसर लिखना हो हमने तो दैट मीन्स इंपॉर्टेंस एंड नीड्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग इज परफेक्ट नो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया था राइट डाउन द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग या राइट डाउन द नीड्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग तो ये दोनों सेम है नो इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग के अंदर हमारा फर्स्ट वन आ जाता है अचीवमेंट ऑफ गोल्स नो बिज़नेस प्लानिंग में हम क्या करते हैं हम ये कोशिश करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए तो बिजनेस प्लानिंग हमें क्या प्रोवाइड करती है एक को बिजनेस प्लानिंग ऑन्टरप्रेन्योर को एक अटेनेबल मतलब प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करती है ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स को किसी भी प्रॉब्लम के साथ अचीव कर सके टू अटेन द ऑब्जेक्टिव विद विद एनी प्रॉब्लम ना नेक्स्ट वन द सेकेंड पॉइंट हमारा अब सेकेंड पॉइंट आ जाता है सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्लानिंग मिनिमाइज़ दी अनसर्टनिटी प्लानिंग से क्या होता है क्यों जरूरी है प्लानिंग ताकि कोई अनसर्टनिटी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम प्लानिंग के थ्रू उसे कम कर सकते हैं जैसे कि बिज़नेस प्लानिंग जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू मिनिमाइज़ दी अनसर्टनिटी कि अगर हमने प्लानिंग करके रखी होगी पहले से तो कोई भी रुकावट आ सकती है अगर मेरे पास पैसा रिजर्व होगा तो मैं उस रुकावट को फटोफट यूज़ कर उस आ, पैसे को मैं फटोफट यूज़ कर सकती हूँ और देन मैं उसको प्रॉपरली तरीके से आ, उस प्लानिंग के हिसाब से मैं चल सकती हूँ तो ना मैं ये सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो प्लानिंग मिनिमाइज थी अनसर्टेनिटी का मतलब हुआ कुछ भी अनचाहा रिस्क अगर आ जाता है कोई भी लॉसेस आ जाते हैं तो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए प्लानिंग स्ट्रेटजी ताकि हम प्रॉपर्ली तरीके से इस चीज़ इस चीज प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें नौ नेक्स्ट वन क्या इसी के साथ कहता है कि ऑनटोप क्या कहता है कि ऑनटोपन्यो जब रिस्क लेता है कैलकुलेट करता है तो विद दी हेल्प ऑफ अ बिजनेस प्लानिंग पहले वो प्रॉपर तरीके से सब चीज़ों को मैनेज करता है पहले वो प्रॉपर तरीके से सब चीज़ों को प्लान करने की कोशिश करता है फिर उसके बाद वो रिस्क लेता है और जब रिस्क लेता है तो उसे पता होता है कि मेरे पास इन अनसर्टेनिटी इन अनसर्टेन प्रॉब्लम्स का मुझे सोल्यूशन भी निकालना है साथ साथ में नेक्स्ट वन कहता है आपने थर्ड पॉइंट नहीं करना आप आ जाओ फोर्थ uh, पॉइंट आप देख लीजिए फोर्थ पॉइंट में कहता है दिस वन दैट इज़ फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट में कहता है कि प्लानिंग एलिमिनेट्स एक्शंस दैट मीन्स बिजनेस प्लानिंग क्या करता है बिजनेस प्लानिंग जो है ये एलिमिनेट करता है मतलब ख़त्म करने की कोशिश करता है जो भी अनलेस यूजलेस जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारी एंटरप्राइज के अंदर उसे और ये रिप्लेस करता है जो गेस वर्क और हिट और मिस दी एक्शन दैट मीन्स अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो प्लानिंग खत्म करने की कोशिश करता है यूजलेस एक्टिविटीज़ को वो जो परफेक्ट वर्क हो उसी को करने की कोशिश करता है तो ये आगे आपके थर्ड पॉइंट आ गया दैट मीन्स जो आपका फोर्थ है वो ये आपका थर्ड पॉइंट आ गया नेक्स्ट वन हम पॉइंट कर लेते हैं दैट इज़ फिफ्थ पॉइंट जो इजी इजी है मैं वो करवाऊँगी क्योंकि हमें मैक्सिमम फाइव टू सिक्स पॉइंट करने हैं उससे ज़्यादा नहीं करने जैसे प्रिंसिपल का क्वेश्चन है मुझे पता है वो दो या तीन नंबर में आएगा तो हम उसके अंदर फाइव पॉइंट्स कर लेंगे तो सफिशियंट है नो मैं साथ साथ में आपको क्वेश्चंस भी बताती जा रही हूँ कितने कितने मार्क्स में कौन सा कौन सा क्वेश्चन कैसे फॉल करता है ना द नेक्स्ट वेर इज फिफ्थ पॉइंट प्लानिंग प्रोवाइड्स द डील ऑफ कंट्रोल ना प्लानिंग एंड कंट्रोल ये एक ऑन्टरप्रन का फंक्शन है जो इंटर डिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे के ऊपर तो प्लानिंग क्या है प्लानिंग जब है वो स्टार्टिंग पॉइंट है कंट्रोलिंग क्या है एंड पॉइंट है जब मैंने आपको प्लानिंग का मीनिंग करवाया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि विदाउट द प्लानिंग कंट्रोलिंग नहीं हो सकती जब तक आप प्लान नहीं बनाओगे तब तक आप कंट्रोल नहीं कर सकोगे फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ जैसे सिक्के के एक कॉइन होता है कॉइन का एक साइड जो है वो प्लानिंग है तो सेकेंड साइड उसका कंट्रोलिंग है तो जब तक हेड आप ऊपर उछालते हो तो जब तक उसका हेड या टेल नहीं होगा तो दैट मीन्स वो एक तरफ से नीचे भी तो लगेगा तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे तब तक कंट्रोलिंग नहीं हो सकती तो जो कंट्रोल फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है वो प्लानिंग पे डिपेंड करता है इसके अंदर हमने किए फोर पॉइंट्स देन द फिफ्थ पॉइंट प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है दैट मीन्स सिक्स पॉइंट जो बुक का सिक्स है आप ये देख लेना पेज नंबर सेवन पॉइंट फोर पे है आई थिंक सब बच्चों के पास बुक होगी नहीं है तो आप यहाँ से मटेरियल मैं आपको सेंड भी कर दूंगी साथ साथ में नो प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्स प्लानिंग क्या करता है प्लानिंग असिस्ट करता है ऑन्टरप्रनर का टू दी प्रॉपर यूज द लिमिटेड एंड द स्केयर रिसोर्सिस जैसे कि मैन मनी मशीन्स मटीरियल्स एंड मैथड्स तो ये मैंने आपको प्रॉपरली तरीके से करवाया यहाँ से मैंने आपको पॉइंट्स करवाए अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए नेक्स्ट के सामने वाले पे दैट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट यह आपका पॉइंट आ जाता है यहाँ से दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ये जो डायग्राम बनाया गया है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के नीचे इसको आप कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देती हूँ आपने सबसे पहले क्या करना है बच्चा आपने सबसे पहले क्या करना है ये जो आइडिया एंड प्लानिंग है ना इसको लेना है जैसे आइडिया लिखा है जैसे प्लानिंग लिखा है वैसा ही लिखना है और यहाँ से नीचे को स्केयर लेकर आना है आपने जैसे ये नीचे है नीचे लेकर आनी है फिर रियलाइजेशन और फिर दिन फिर नीचे लेकर आना है देन सक्सेस और उसे सर्कल कर देना है ठीक है ये जो पर्सन है जो साइड में इसको आपने नहीं बनाना ऐसा कुछ भी आपने नहीं करना क्लियर हो गया ये इसलिए बनाए जाते हैं डायग्राम्स ताकि आपका जो आप जब पेपर प्रेजेंट करते हैं और जब आप प्रेजेंटेशन इससे बहुत अच्छी हो जाती है इसलिए मैं सोचती हूँ कि इसको साथ में बनाना ज़रूरी है नौ द नेक्स्ट वन आ जाता है आपका टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट बिजनेस प्लानिंग जो है वो एक ऑन्टन्योर की क्या हेल्प करती है एक न्यू एंड द बेस्ट एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करने में ठीक है आपकी एक एंटरप्राइज़ की तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रोवमेंट में क्या होता है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के अंदर हम लोग अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी जो होती है प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो एक की उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते ठीक है तो दैट मीन्स ये आ गया हमारा टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट तो यहाँ तक आपके सभी पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं और अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो आपका आज मैंने दो टॉपिक्स कवर करवा दिए एक मैंने आपको करवाया इम्पोर्टेंस और एक मैंने आपको करवाया प्रिंसिपल्स तो बच्चा किसी बच्चे को भी कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लियर कर सकते हैं मुझे मैसेज कर दीजिए और जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तब तक आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा ठीक है तो बच्चा सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है मुझे सभी चीज़ें ध्यान में रखकर चलनी है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में रखनी पड़ती है वीडियो तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है नहीं समझ आता है तो आप मुझे बता सकते हैं ठीक है ओके थैंक यू